पहले ये तो शाहिद खाकान अब्बासी का जिस तरह के कहा गया है, उनका तुर्की वज़ीर आला पंजाब को साथ लेके जाने का कतन कोई जवाब नहीं। या तो चारों सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का, जी उनका एक रिप्रेजेंटेटिव वफद जाता। भाई आप शहबाज शरीफ साहब को क्यों लेके जा रहे हो? इसका मतलब है कि कोई दाल में काला है, या शाहिद खाकान अब्बासी पर एतबार नहीं है इन लोगों को क्या अपना बंदा साथ रखते हैं? सही साहब, हाँ लोग पंजाबी में कहते हैं हम नक नक आ चुके हैं, ये क्या निकाला, हमें क्यों निकाला, आपस में लंदन जा रहे हैं, आ रहे हैं, नैब में पेश हो जाओ। ये यार ये एक सही साहब, नया गनौना, मैं आपकी विसात से ये अर्ज करूंगा कि ये लंदन प्लान जो है फौज और अदलिया के खिलाफ नए अहकाम और नई साजिशी थ्योरीज के तहत और बैन अल-अक़वामी एजेंसियों को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान सही और साहब, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ ये नया मंसूबा बनाने के लिए कल इनकी मीटिंग हो रही है, उसकी हाँ तफसीलात भी हम दे देंगे। और ये जो एयर एम्बुलेंस के जरिए लेके जाना चाहते यार एक चोई साहब, जाली नहीं, मरीज एक को, मुझे बात बताएं, वह अगर नैब कोर्ट ने कहा कि इसका कोई चोई इनको साहब, तकलीफ नहीं चोई है। साहब यार अभी अब क्या मैं बात ना करूं? हाँ बात करें मुकम्मल हाँ करें, मैं क्या खबरें क्या दे रहे हैं यार, खबरें आप भाई ये दे चुके हैं, आप जो पहले आप बात करें नहीं यार आप कर रहा मुकम्मल हूं, करें। हाँ जी, वो जो चलो कुछ सवाल है तो एयर पूछे। एम्बुलेंस में जो लेके जा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो ये कल, मेरा सवाल ये है आपसे, मेरा हाँ सवाल ये आपसे चोई साहब, अगर तो इस सारी एक्सरसाइज से एक टका भी बाहर निकल के नहीं आना इस मुल्क का, सऊदी अरब में आ रहा है, तो ये नैब में जितनी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, ये जितनी पेशियां हो रही हैं, ये जितने लोग जा रहे हैं इस पे अपना प्रोटोकॉल में, ये भी हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, और हमारी दोबारा दोबारा जेब कटनी है, अगर इसमें से एक आना नहीं निकलना फिर मुझे क्या फायदा, मैं इस बात देर एक्सरसाइज के कोई फायदा है? नहीं, मैं लार्जर पिक्चर पर कर रहा हूँ, आप अभी वो खर्चे पर कर रहे हैं। खर्चा तो उनको कोई मैंने नहीं रखता, क्यों वो तो यार, मेरे उन्होंने, लिए तो मैंने रखते हैं ना, मेरे आपकी जेब से जा रहा नहीं है। नहीं इनकी हालत ये है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मैं वो वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल नहीं हूँगा, मैं उधर रिहाइश नहीं रखूँगा, मैं इधर ही यार ये रहूँगा। इसको अब भी छोड़ो सुन ना, लो ये क्या है, ना ये क्या है, नहीं क्या, रखूंगा और सुन ये लो गल मैं कोई कर हाँ लगा, हाँ थोड़ा थोड़ा बोले बोले पेशेंस बोले। रखे। अच्छा जी, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं उधर अपने घर में ही रहूंगा। अच्छा, अच्छा उधर खादम हुसैन रिजवी ने अपना धरना दिया, उधर बागम बाग पीएम हाउस, हो जी मुझे इधर मार देंगे, नहीं चोई साहब, निसार अली की तरह मेरे ऊपर मैं हमला चोई कर साहब रहे ये हैं। पता क्या रहा हूँ, अरे जो आम अरे आम आदमी की अच्छा, फील है। एनीवे मैं बात कर रहा हूँ, ये लंदन में मंसूबे बना रहे हैं नापाक पाकिस्तान की फौज और रियासती इदारों पर और अदलिया के खिलाफ, और पैसे बांट रहे हैं, और ये हाँ चोई साहब जी बोले आप, जी, और मार्च की उसके बाद भी ये कि नवाज शरीफ को अमेरिका जाना चाहिए या पाकिस्तान आना चाहिए या अभी लंदन से ही और हमें अपनी, किधर जाना चाहिए। नहीं हम, मैं उस पर आ रहा हूँ। हाँ और नंबर दो, ये एहसन इकबाल साहब जो वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं ना हाँ कि इसहाक़ डार को मेडल देना चाहिए, उनको ये आप जो नंबर बना रहे हैं ना कि या बनाने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ की नज़र में, इससे मुल्क का अच्छा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये